2 मार्च को भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों से शाम 6 बजे तक खार्किव शहर खाली करने को कहा। इसके कुछ समय बाद नितिन गोखले ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत की अपील पर रूस ने 6 घंटों के लिए युद्ध रोक दिया है ताकि भारतीय नागरिक वहां से निकल सके। ट्विटर बायो के मुताबिक नितिन गोखले राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक है। इसके बाद भाजपा महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए यही दावा किया। ऐसा दावा करने वालों में आदित्य राज कौल, अमीश देवगन, अभिजीत मजमूदार, प्रदीप भंडारी और अभिजीत अय्यर मित्रा शामिल हैं। इसके अलावा कई मीडिया संगठनों ने भी ये दावा किया। इस लिस्ट में एशियानेट न्यूज, एबीपी न्यूज, अमर उजाला पत्रिका, पंजाब केसरी और न्यूज 18 शामिल है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ और सीईओ सुधीर चौधरी ने भी अपने प्रोग्राम डीएनए में यह दावा किया था। भारत की सरकार ने रशिया की सरकार से और यूक्रेन की सरकार से लगातार वो बातचीत कर रही है, और जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया, और वो इसलिए दिया गया ताकि भारत सरकार के कहने पर 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया जाए, और उस दौरान भारत के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो किसी भी तरीके से वहां से जल्दी से निकाले जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम बंगाल की सदस्य प्रियंका शर्मा आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर वीकली पोस्टकार्ड न्यूज के संस्थापक महेश विक्रम हेगड़े ने भी ये दावा किया है। तो क्या वाकई में रूस ने भारत की अपील पर 6 घंटों के लिए युद्ध रोक दिया? विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया गया है कि भारत सरकार रूस और यूक्रेन से विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रही है, लेकिन ध्यान दें कि भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए रूस ने 6 घंटे के लिए युद्ध नहीं रोका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि उन्हें एक स्पेशल इनपुट से रास्तों के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ये जानकारी वहां फंसे भारतीयों तक पहुंचाई है और कुछ लोग वहां से निकल पाने में सफल भी हुए हैं। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it'll extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को नकारते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे कहने पर युद्ध रुका। ये तो वही बात हो जाएगी कि क्या फिर हमारे कहने पर बमबारी शुरू की गई। द हिंदू में डिप्लोमेटिक अफेयर्स की एडिटर सुहासिनी हैदर ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि 6 घंटों तक रूस के युद्ध रोकने का दावा गलत है। विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद भी नितिन गोखले ने अपना दावा सही ठहराते हुए एक और ट्वीट किया, लेकिन रूस द्वारा 6 घंटों तक युद्ध रोकने की बात पूरी तरह से गलत है और न ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसा कोई बयान दिया था। जंग के ऐसे माहौल में इस तरह की गलत अफवाहें यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए खतरे से भरी हो सकती है और यहां भारत में मौजूद उनके परिवार के लिए भी भ्रामक हो सकती है।